पनवार टीआई का कारनामा, शराब तस्कर से की सांठगांठ और लौटा दी पकड़ी गई 22 पेटी शराब। बता दें कि पनवार थाना प्रभारी मुश्किल में फंस गए हैं। उनकी क्षेत्र के पैकार और तस्कर से सांठगांठ की बात सामने आई है। मतदान के एक दिन पहले ही एक पैकार से शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई थी, फिर सांठगांठ कर 5 दिन बाद उसे वापस लौटा दी। ये पूरा काम सीसीटीवी में कैद हो गया है। शिकायत के बाद एसपी ने जांच बैठा दी है। उधर एसटीओपी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हद तो ये है कि इस थाने में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक ने उनकी करतूत का वीडियो बनाया तो उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। आपको बता दें कि पनवार थाना प्रभारी आरएस बागरी ने 16 नवंबर की देर रात एक वाहन में लोड अंग्रेजी व देशी शराब की अवैध खेप को जब्त किया था। वाहन में करीब 42 पेटी शराब लोड थी, इसमें से करीब 20 पेटी की जब्ती दिखाई गई, जबकि अंग्रेजी शराब की 22 पेटियों को उन्होंने दबा दिया था। सूत्रों की माने तो बाकी की शराब की पेटियां थाना प्रभारी ने अपने कमरे में रखवा दी। 5 दिन बाद ठेकेदार से सांठगांठ कर शराब की खेप को रात करीब 10 बजे अपने कमरे से बाहर निकलवाया और वाहन में लोड कर रामबाग शराब दुकान भेज दी। थाना प्रभारी की इस काली करतूत का वीडियो थाना में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक ने बना लिया था। इतना ही नहीं, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना भी दे दी, जिसकी जानकारी होने पर थाना प्रभारी आरएस बागरी और उनका सहयोगी आरक्षक के आवेश में आ गया और प्रधान आरक्षक से गाली गलौज करते हुए मोबाइल छीन कर तोड़ दिया। वहीं थाना प्रभारी के कारनामे की भनक लगते ही जानकारी डीआईजी मिथिलेश शुक्ला व एसपी विवेक सिंह को हुई, तो उन्होंने सत्यता परखने के लिए एसटीओपी डभौरा रूपेंद्र ध्रुवे को पनवार थाना भेजा है। देर रात करीब 12 बजे एसटीओपी थाना पहुंचे, लेकिन तब तक शराब की खेप टीआई के कमरे से रवाना हो चुकी थी। एसपी ने एसटीओपी को मामले की जाँच कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। वहीं इस पूरे मामले में थाना प्रभारी और आरक्षक की जाँच हो रही है। बता दें कि थाना प्रभारी को प्रथम दृष्टिया लाइन अटैच कर दिया गया है। ये एक कहीं से हमको जानकारी लगी थी कि थाना पनवार में कुछ शराब पकड़ी गई है और जिसमें कुछ ना कुछ गलत कार्रवाइयां थाना प्रभारी के द्वारा की गई है, जिसमें प्रथम दृष्टिया उनको अभी लाइन अटैच किया गया है और पूरे समस्त प्रकरण की जांच के लिए एसटीओपी डभौरा को उसमें आदेशित किया गया है। और जैसा उस जाँच में पाया जाएगा, जिस हिसाब से रिपोर्ट पाई जाएगी, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। वो भी सारी चीज़ जैसा एसडीओपी को सभी चीज़ों का पूरे विस्तृत जांच करने के लिए बोला गया है और जो भी उसमें गलतियां पाई जाएंगी, जो भी त्रुटि पाई जाएगी, उस त्रुटिकर्ता के खिलाफ उसमें कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसी विवाद भी आई है कि मोबाइल तोड़ना या अन्य जो भी चीज़ें आई हैं, तो सभी तथ्यों को ध्यान रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। देखा जाएगा, अगर कोई ऐसा आरोप सिद्ध होता है कि उनको थाने रखने लायक उचित नहीं होगा, तो बिल्कुल उसको थाने पे नहीं रखेंगे ऐसे अधिकारी।